हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जवेदा सिद्दीकी और मेरे साथ हैं, और मैं हूं फैसल। भाई, सबको पता चल चुका है कि सर प्रशांत धवन के हम बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़े फैन हैं। और उनकी जब कोई वीडियो आती है, बहुत सारे में तो हम रिएक्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे हम वैसे भी बैठे देख रहे होते हैं। हम कहते हैं यार क्या बात, रिएक्ट ना भी करें तो हम उनको बड़ा गौर से सुन रहे होते हैं अपने नॉलेज के लिए, क्योंकि हमें अपना नॉलेज भी साथ साथ गेन करना है। तो वीडियो जब हमने देख रहे होते ना, कि कुछ भी यूट्यूब पे स्क्रॉल करें कोई वीडियो आई है, तो हम देखना शुरू कर देते हैं। बट आज उनकी एक वीडियो आई है जिसका नाम है व्हाट इज AMCA India will join USA, Russia and China soon. मतलब इंडिया ने अपने सब ताल्लुकात अच्छे कर लेने हैं और सबके साथ दुनिया के साथ जुड़ जाएंगे। ओह माय गॉड, मतलब एक ऐसा कंट्री है USA, कह भी रहे ईरान के साथ नहीं करो, रशिया के साथ नहीं करो, इंडिया करेंगे, हम तो करेंगे, हम करेंगे, हम अपने मुल्क का भला भी करेंगे, उधर भी करेंगे। आप कौन होते हैं हमें डिक्टेट करने वाले? ऐसे नहीं, हमें डिक्टेट करने प्यार से, प्यार से, प्यार से भाई, प्यार से कहते हैं। यही तो वजह है दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन गया है हर के साथ बिजनेस कर करके। और अब तीसरी की बात हो रही है, हम थोड़ा सा हॉस्टाइल हो जाते हैं। हम नहीं नहीं, ये हमारा दुश्मन है, इसके साथ नहीं चलना। यूएसए हम वो गैस पाइपलाइन चलाएं कि ना चलाएं? नहीं चलानी, ठीक है जी, नहीं चलाएं। अब ये एज अ पब्लिक तो हमें बड़े इस पे तकलीफ होती है, लेकिन अब हम क्या करें, हमारे हाथ में तो है नहीं। अब कुछ अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की या तरफ से या किसी की तरफ से कोई गलत अटैक आता है, तो उसमें पब्लिक का क्या रोल है? अब ये देखते हैं कि यूएसए और रशिया के साथ, दोनों के साथ कैसे हो सकता है, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब चलो सुन के पता चलेगा। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने AMCA के बारे में बहुत सुना होगा, काफी चर्चा में था कि AMCA का प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है। 20 साल का टाइम लग गया, बहुत ज्यादा इस पर डिबेट्स हुए, चर्चा हुई, मगर फाइनली भारत AMCA बनाएगा। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट अलॉट भी कर दिया गया है। और क्वेश्चन यहाँ पर आपके माइंड में यही आएगा, बट ये AMCA है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? आई मीन इतना तो समझ में आता है कि ये एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है, बट उसके बियॉन्ड क्या? देखिए, AMCA भारत को ले जाएगा एक इलीट ग्रुप ऑफ कंट्रीज में, सिर्फ चुनिंदा देश है दुनिया में जो खुद फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स बना पाते हैं। ये कंट्रीज हैं USA, रशिया और चाइना। भारत बहुत ही जल्द चौथा देश बन सकता है। तो इस वीडियो में बहुत ज्यादा सरल भाषा में हम समझेंगे कि भारतीय एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है और AMCA हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। नाउ एक बार आपके सामने जो ये इमेज है इसको देखिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक चाइनीज फाइटर जेट, इसका नाम है J-20। चेक नाउ J-20, इसको चाइना काफी बार माइटी ड्रैगन भी कहता है। नाउ ये सबसे बड़ा कंसर्न है भारतीय एयरफोर्स के लिए। अब एक बार को आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेट, सो ये एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है, पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट? तो इसका आंसर है हाँ। तो इसके काउंटर में जो हाल ही में हमने रफाल परचेज किए हैं फ्रांस से, रफाल क्या काफी हद तक टक्कर दे पाएंगे इस फाइटर जेट को? देखो, भारत में जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो तो कहते हैं कि इवन दो रफाल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, आप एक बार वो कह सकते हैं टेक्निकली चाइनीज फाइटर जेट से थोड़ा सा पीछे है, मगर इंजन के मामले में, ओवरऑल वेपन लोड के मामले में रफाल टक्कर दे सकता है J-20 को। मगर प्रॉब्लम आती है नंबर्स में। एक बार को आप मान लीजिए कि बिल्कुल रफाल अच्छी टक्कर देगा चाइना के J-20 को, मगर प्रॉब्लम यह है कि चाइना J-20 खुद बनाता है, हम लोग रफाल खुद बनाते नहीं है, हम परचेज करते हैं, ऑर्डर्स प्लेस करते हैं और फ्रांस आराम आराम से उनको सेंड करता है। चाइना के पास जो अपना फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है, इसके नंबर 210 से लेकर 250 तक पहुंच चुके हैं, जबकि रफाल भारत के पास कितने हैं? 36। आप सिर्फ इस डेटा से समझ पाएंगे कि इंडिया कितना पीछे रह चुका है चाइना से। एक बार को हम ये बात कह रहे हैं कि चाइना का फिफ्थ जनरेशन हमारा 4.5 जनरेशन, तब भी टक्कर देंगे, मगर नंबर्स का क्या करेंगे जब 36 रफाल के सामने 250 J-20 आ जाएंगे? हालांकि एक बार को आप कह सकते हैं चाइना 250 बहुत फैक्ट्स की करते हैं, सच्ची बात दिखा दिखा के अपनी जो बॉर्डर्स हैं वो सिक्योर करनी, अगर पीछे हैं तो कहते हैं कि हम पीछे हैं। दिस विल बी अ ह्यूज चैलेंज फॉर इंडिया। अब अगला क्वेश्चन यहां पे आपका ये आएगा, ये तो हमको ज्यादा ही पीछे रह गए, जो नंबर सामने आ रहे हैं इतना गड़बड़ कैसे हो गई, ये AMCA को अप्रूव करने में इतना डिले कैसे लग गया? देखो, मैं इस पूरी कहानी को लंबे समय से फॉलो कर रहा हूँ, हर बार इसके बारे में पढ़ता था, रशिया के केस से लेकर अब जो हम खुद AMCA बिल्ड कर रहे हैं, काफी फ्रस्ट्रेशन होती थी, ये देखकर भी काफी फ्रस्ट्रेशन होती थी कि टर्की और साउथ कोरिया ने हमसे पहले फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, बट एटलीस्ट हमने शुरू तो किया। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि गड़बड़ हमसे हुई कहाँ पे थी, इतना पीछे कैसे रह गए हम। देखिए, साल था 2007। जी हाँ, भारत इस सब के बारे में 2007 से विचार कर रहा था।
इवेंचुअली रशिया के साथ हमने बातचीत स्टार्ट कर दी और रशिया को ये कहा कि देखिए आप और हम मिलकर एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाते हैं, ये फाइटर जेट तैयार हो जाएगा मतलब 2024 से तो बहुत पहले ही तैयार हो जाएगा और आप भी यूज करेंगे इसको, हम भी यूज करेंगे। मगर इंडिया ने ना एक डिमांड बाद में ऐड कर दी। इंडिया ने ये कहा कि जो गलती हमने सुखोई एयरक्राफ्ट के टाइम में करी थी ना, वो गलती यहाँ पर नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि हम पैसा लगाएं और साथ ही साथ आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करें, हमको भी आप टेक्नोलॉजी दे फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की। रशिया नहीं माना फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को लेकर, रशिया टेक ट्रांसफर को नहीं माना और इवेंचुअली 2018 में इंडिया ने ये जो मैसिव डील थी $8.63 बिलियन की, इससे पुल आउट कर लिया। और ये इंडिया के लिए देखिए एक अच्छा स्टेप भी था क्योंकि रशिया की जो शर्तें थी वो हमें सूट नहीं कर रही थी, बट एट द सेम टाइम इससे इंडिया अब बहुत पीछे जाने वाला था क्योंकि अब इंडिया के सामने दो ऑप्शन थी कि बना बनाया जो फाइटर जेट है ये परचेज कर ले फिफ्थ जनरेशन, और रशिया ने बाद में इंडिया को ये ऑफर दी भी कि हमारा जो SU-57 है ये बन के तैयार हो चुका है, आप चाहे तो इसको ले सकते हैं। इंडिया ने इस पर आर्टिकल पब्लिश करने स्टार्ट कर दिए कि इंडिया डायरेक्टली परचेज कर सकता है इन फाइटर जेट्स को, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अभी भी ऑफर में नहीं था। दूसरा रास्ता इंडिया के सामने ये था खुद अकेले चलो और AMCA पर काम करो, खुद का फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाओ। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यही क्या बात है कि अब इतना डिले हो चुका था कि अब स्टार्ट करेंगे ना तो एक बार को टर्की और साउथ कोरिया से भी पीछे रह जाएंगे। बट इन दी एंड इंडिया ने ये डिसाइड किया कि हम लोग फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट परचेज नहीं करेंगे कहीं से, जबकि ऑप्शन थी, बट इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम AMCA खुद बिल्ड करेंगे। हालांकि मैं ये कहूंगा कि निर्णय लेते लेते इतना डिले हो गया कि टर्की जैसा देश उसका जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है कान के नाम से, ये भारत से आगे निकल चुका है, काफी आगे निकल चुका है अभी के लिए। तो AMCA को बहुत कुछ करना होगा कैचअप करने के लिए। और यकीन मानिए 2018 जब हमने रशिया के साथ डील कैंसिल करी थी, 2018 से लेकर 2024 के बीच में पता नहीं कितने आर्टिकल्स लिखे गए जहां पर ये बात मेंशन करी गई कि इंडिया AMCA को लेकर डिले कर रहा है। एक बार को तेजस मार्क टू जो हम जिसपे काम कर रहे हैं इससे ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए AMCA को, ऐसे आर्टिकल पब्लिश किए गए। हालांकि कुछ लोगों का ओपिनियन यहाँ पे कुछ और हो सकता है, बट मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें टाइम काफी लग गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आएगा, मगर टाइम क्यों लगा? हम लोगों ने तेजस फाइटर जेट खुद बिल्ड तो किया है भारत में, तो जैसे तेजस बिल्ड किया है AMCA भी बिल्ड कर लेंगे। देखो AMCA तेजस से बहुत ही अलग लेवल का फाइटर जेट होगा। AMCA एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट हम बनाना चाहते हैं और फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की ना चार रिक्वायरमेंट होती है। आप एक फाइटर जेट को फिफ्थ जनरेशन तभी कह सकते हैं जब वो फाइटर जेट इन चार रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता है। नाउ ये रिक्वायरमेंट्स आपके सामने हैं। सबसे पहली तो है स्टेल्थ। स्टेल्थ का मतलब ये है कि रेडार में ये एयरक्राफ्ट डिटेक्ट नहीं होगा या फिर ना के बराबर डिटेक्ट होगा, दुश्मन को पता भी नहीं लगेगा कब ये एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट उसके एयर स्पेस में आ चुका है। और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट का होता है कि जो भी हथियार है ना वो इंटरनली स्टोर होते हैं, बाहर डिस्प्ले में नहीं होते। नहीं तो आप अगर सुखोई फाइटर जेट देखो तो जो भी उसके हथियार है, जो मिसाइल्स हैं, जो बॉम्ब्स हैं, वो लिटरली आप देख सकते हो। कभी किसी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को देखना, म्यूनिशंस, फ्यूल टैंक वगैरह सब इंटरनली स्टोर होता है। ये स्टेल्थ कैपेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। फिर बात आती है सुपर क्रूज स्पीड की। फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स सुपरसोनिक स्पीड्स पर भी उड़ सकते हैं। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है हाई मैनूवरेबिलिटी की, कि बहुत ही आराम से ये फाइटर जेट मूव कर सकता है छोटे एरिया में भी। ये मैनूवर करके जो भी मिसाइल इसको चेस कर रहा है या फिर कोई भी इस पर थ्रेट है इससे खुद को बचा सकता है। और फाइनली इस एयरक्राफ्ट की मल्टी रोल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। इस एयरक्राफ्ट से आपको 1-to-1 बैटल करनी है वो भी आप कर पाओगे, बॉम्बिंग करनी है वो भी आप कर पाओगे, कुछ और लॉन्ग डिस्टेंस मिशन करना है वो भी आप कर पाएंगे। तो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को बिल्ड करना आसान होता नहीं है। और अगर हम दुनिया के सबसे बेहतरीन फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की बात करें तो इसको लेकर बटे हुए ओपिनियन आपको मिलेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि लॉकहीड मार्टिन का जो F-35 Lightning II एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है, ये है दुनिया का सबसे बेहतरीन फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट। कुछ लोग कहते हैं कि जो F-22 Raptor है ये ज्यादा अत्याधुनिक है, तो डिपेंड करता है आप किससे पूछ रहे हैं, उसका क्या ओपिनियन है और किस कंटेक्स्ट में वो बात कर रहा है। बट अब देखना ये होगा कि इंडिया कितनी जल्दी इन बाकी कंट्री से कैचअप कर सकता है। और इसलिए आने वाले समय में सारी अटेंशन होगी DRDO के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विंग की तरफ।
और इस विंग का नाम है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA। ये लोग इससे पहले तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट का जो डिजाइन है ये बना चुके हैं, ये लोग AMCA का जो डिजाइन है ये भी बनाएंगे, और उसके बाद इस AMCA को मैन्युफैक्चर करने का काम मिलेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, और इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए गए हैं। अभी तो हम बस फाइटर जेट बना रहे हैं, इसकी जो मास प्रोडक्शन है उसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स बाद में और खर्चे जाएंगे। अभी तो उम्मीद ये है कि 2028 तक हमारा देश एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोड्यूस कर देगा, बट सैड बात यह है कि 2028 काफी अभी टाइम लग जाएगा उसमें, तब तक कई और कंट्रीज हैं ये इंडिया से आगे ना निकल जाए, और ये हम अवॉइड कर सकते थे अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग सही होती। मतलब अभी बाकी कंट्रीज थोड़ा थोड़ा हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं टर्की की, साउथ कोरिया की, फाइटर जेट्स बनाने में। अब मैं ना एक दो पॉइंट और बड़ा यूज करूंगा। अब अगर एज अ इंडियन फॉर एग्जांपल, जैसे हम अक्सर पाकिस्तानियों की, क्योंकि हम जब टॉपिक करते हैं ना तो हम थोड़ी सी जनरल बातें भी करेंगे, क्योंकि हमारे जो इनसाइड डायरेक्शन की फैमिली है वो कहते हैं कि आप थोड़ा सा जनरल व्यू भी दिया करें, थोड़ा सा टॉपिक से हट के भी कोई बात कर लिया करें, टॉपिक तो आप देखते हैं टॉपिक पर बात किया करें। अच्छा, सीन ये है, अब ये बात करना बड़ा ज़रूरी है। अब उन्होंने एक वीडियो बनाई है, वो एक इंडियन चैनल है, इंडियन लोगों ने देखी है, वो उसमें एडमिट कर रहे हैं कि हम इस चीज़ में पीछे हैं, ठीक है? थोड़ा सा। अच्छा, अब एक एजुकेशनल जो कौम होती है, जो एक पढ़ी लिखी समझदार कौम होती है, वो इसको अप्रिशिएट करती है कि यार हाँ हम पीछे हैं। यही चीज़ इधर मैं बनाऊँ किसी चीज़ की और मैं कहूँ पाकिस्तान इसमें पीछे है, पाकिस्तान इसमें पीछे, पाकिस्तान में, ये तो है ही बात कर रहा है वो भी, वो अब इंडिया की बेहतरी के लिए बात नहीं कर रहा है, अब इस चीज को लोग अप्रिशिएट करेंगे कि वो बात उन्होंने वो डील वाली बात की कि इस तरह रशिया ने कहा हम बनाकर आपको देते हैं, लेकिन इंडिया ये चाह रहा था कि टेक्नोलॉजी भी शिफ्ट हो, हमें भी पता चले कि कैसा बनता है, हमें भी पता चले हम भी बनाएं। और वो जो उन्होंने बात की है कि जो फिफ्थ जनरेशन है वो रडार में ही नहीं आएगा। हाँ। ओ माय गॉड, मतलब और मजा आएगा। हाँ। और उस चीज में जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि इस चीज में इंडिया अभी पीछे है, लेकिन हमने उस पे वो जो है वो कर दिया है। पहले क्या है, अमेरिका, चाइना और रशिया, ये तीन कर रहे हैं, साथ टर्की जो है वो भी बहुत आगे निकल गया, साउथ कोरिया भी कर रहा है, कोरिया भी कर ही रहा होगा, वो पता नहीं लगता होगा। हाँ। और अब इंडिया इस रेस में है, काफी आगे आएगा, अपनी चीजें बनाएगा, और ये वाली चीजों के लिए उन्होंने बहुत सारे बनाए हैं, रफाइल है, तेजस है, रफाइल तो उन्होंने फ्रांस से बाय किया है, लेकिन अपने मेड इन मेड बहुत सारे, ये जो है तेजस उन्होंने अपना बनाया, तेजस तो उन्होंने अपना बनाया है, लेकिन रफाइल जो है वो उन्होंने प्रॉपर बाय किया या मैन्युफैक्चर वहीं पे हुआ है, किस तरह से जो रफाइल है ना वो बना बनाया उन्होंने फ्रांस से खरीदा। अच्छा, ठीक है। वो उन्होंने भी वीडियो बीच में सर प्रशांत धवन ने बताया है कि हम ऑर्डर दे देते हैं फिर वो वक्फे वक्फे से हमें जो है वो डिलीवरी करते रहते हैं, तो वो चीजें तेजस उन्होंने अपना बनाया, वो तो अपना बनाया। और अच्छा, भी अब ये सारी चीजें होती हैं अपने मुल्क को सिक्योर करने के लिए, डिफेंस के लिए। अब पाकिस्तान भी जो है वो इस तरह की चीजें लेता भी है, लेते तो हैं। चाइना के साथ कभी यूएसए भी जो है वो उनसे भी खरीदते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक अपनी चीज बनाने की तरफ फोकस नहीं किया अभी तक। हमने कुछ ऐसा तो आई थिंक बनाए होंगे, कुछ तो फाइटर जेट्स बनाए होंगे, नहीं नहीं लिए होंगे, नहीं नहीं लिए तो हैं, लिए तो हैं बहुत, हमारा हमारा जो डिफेंस सिस्टम है ना, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उस पे बहुत इन्वेस्ट हुआ है और बहुत कुछ जोड़ा है। पता है क्या कह रहा है वर्ल्ड मीडिया, क्या कह रहा है वर्ल्ड मीडिया, कह रहा है कि जो IMF से कर्जे ले लेके अपने डिफेंस पे लगा रहे हो ना, ये मत करो ब्रो, ये मत करो तुम लोग। ठीक है, हर कंट्री अपने पे डिफेंस पे भी लगाए, लेकिन बाकी सेक्टर में डिवाइड करे, एजुकेशन में। IMF का कर्जा डिफेंस में नहीं जाना चाहिए ना, वो तो आता ही, ये तो समझ से ही बाहर है कि आप लोन भी उठाओ, लोन उठा के जो डिफेंस कर लो। डिफेंस तो हर कंट्री को अपनी अपनी जगह पे जरूरत होती है। लग रहा कि अब डिफेंस की ना वो वाली दुनिया नहीं रही कि अब डिफेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, अब तो सबको पता है कि इसकी बॉर्डर है, इसका बॉर्डर है, चिल सीन है। नहीं, लेकिन हमेशा डिफेंस की जरूरत रहती है, अगर किसी की कंट्री के बहुत ज्यादा सब वो हो चुके हैं ना, फ्रेंडली हो चुके हैं आपस में, फ्रेंडली भी हो चुके हैं, लेकिन कभी किसी पे कौन सा, अब इंडिया कितना फ्रेंडली हो चुका है, कितने लोगों के, कितनी कंट्रीज के साथ जुड़ चुका है, लेकिन अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करे जा रहा है। इस तरह हर कंट्री अपना अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करता है, पाकिस्तान भी कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, लेकिन ये होता है सेकेंड ऑप्शन के लिए। हमेशा ये डिफेंस उस टाइम यूज किया जाता है जब कोई अटैक करते हैं, बना के रख लो, किसी पे ना अटैक करो, ठीक है? अटैक किस चीज का करो, एजुकेशन आगे जाने का।
अटैक किस चीज का करो, इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरों से बेहतर करने का। अच्छी अटैक क्या करो कि अपनी लोगों को जो है वो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज, रोजगार, उनकी लाइफ, उनकी मतलब कि अगर पाकिस्तान को इंडिया के साथ मुकाबला करना है ना तो 5-6 चीजों पे करे, इकोनॉमी पे करे, मजा आएगा। उधर से भी जो है ना वो अपनी जान मारे, ये भी जान मारे। देखते हैं ना कि रतन टाटा, मुकेश अंबानी, मजा आता है देखने के। देखो दोनों अपना अपना अपनी अपनी तरक्की पे, और अगर कोई चीज अच्छी कर रहा हो तो उसे अडॉप्ट करो भाई, उसको अप्रिशिएट करो, उसको मान लो। पहली तो बात है इस वीडियो में, अच्छा एज अ इंडियन यार ये क्यों कह रहा है कि हम पीछे हैं यार, ये तो झूठ बोले और कहें हम सबसे आगे हैं। एक और बात ये भी है कि ना पाकिस्तानी को जो फील होता है कि आप लोग ये जो बात कर रहे हो ना, आप पूरी दुनिया में गलत इंप्रेशन जा रहा है। तो भाई इंप्रेशन तो पहले ही चला गया हुआ है। अब प्रशांत धवन की तो वीडियो ये नहीं है ना कि वो सिर्फ इंडिया में ही चलेगी, ऑल ओवर द वर्ल्ड चलेगी। लोग सुनेंगे कि अच्छा यार यूएसए आगे है, रशिया आगे, चाइना आगे, और इंडिया भी रेस में है। और वो तो यूट्यूब की वीडियो है ना, यूट्यूब किसी एक दुनिया के लिए। अब हम पाकिस्तान में बैठे नहीं देख रहे, तो वो कहते हैं कि आप अपना पाक ट्यूब बना ले तो वही भी न्यूज रहेगी फिर भाई। ये भी है तो ये इस वीडियो में जो हमें समरी और थीम नजर आया ना, वो ये है कि इंडिया जो चाहता है ना, वो चाहता है कि हम जो फाइटर जेट या जो फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट्स अच्छा, है ना, तो वो उस डायरेक्शन में अपने जो है ना बनाने हम शुरू, और वो उस डायरेक्शन में कह रहा था विल जॉइन यूएसए, रशिया एंड चाइना के उस डायरेक्शन में, के उस रेस में हम भी जॉइन करने जा रहे हैं जिसमें वो बना। वही मैं कहूं कि ओ माय गॉड ये यूएसए और रशिया साथ कैसे हो सकता है। कभी वो टाइटल और होता है ना, मतलब टाइटल हमें सही समझ नहीं आ पा रहा था कि कैसा, हमें लगता है कोई फ्रेंडशिप, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो रही है भाई कुछ। तो भाई अगर फॉर एग्जांपल टॉप 5 है ठीक है, और इधर से पाकिस्तान वाले कहें कि हमने जो है ना ज्वाइन करना है टॉप 5 को, तो उसका मतलब ये है कि हमने अपनी तरक्की करके टॉप 5 के अंदर आना है, उनके साथ जुड़ना है, मतलब हम भी उस लिस्ट में आना है। तो इसी तरह इस ज्वाइन का भी था कि हम जो वो तीन कंट्रियां हैं ना और चौथी तुर्की की बात की, तो हम भी उस लिस्ट में आएंगे और अपने फाइटर जेट बनाएंगे। और ये बहुत मजे की वीडियो है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाके ये वीडियो भी देखें और बाकी वीडियो भी आईक्यू स्टडी की चेकआउट करें। बड़े मजे मजे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। सर प्रशांत धवन की नहीं होती बल्कि डिफरेंट टीचर्स होते हैं, और सर प्रशांत धवन के जो स्टूडेंट्स हैं, जो फैंस हैं, जो बड़ा हार्टली जुड़े हुए हैं। सो हैप्पी बर्थडे आज नहीं मतलब इसी उसमें है, आई थिंक आज या कल थी या आगे होगी, बिल्कुल तो एडवांस हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं, या क्या पता बिलेटेड हैप्पी बर्थडे हुई नेवर नो, वो भी हम चेक कर लेंगे। तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं अगर हो गई, और जो इनके स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट जरूर किया करें कि आपने प्रशांत धवन सर से क्या सीखा, हमारा नॉलेज बढ़ाने की कोशिश किया करें, हमें दुनिया के बारे में बताया करें। और एक बंदा तो कह रहा था कि अगर सर आपने यूट्यूब कभी छोड़ना है ना तो आप पहले ही बता देना ताकि फिर मैं उस दिन के बाद मैं यूट्यूब ना देखूं। मैंने कहा ओ माय गॉड, क्योंकि ये जो जितने टॉपिक्स है ना ये सारे एजुकेशनल लोग और CSS जैसे देख लो तो वहाँ पे यही पढ़ाया जा रहा होगा, इंडिया, अमेरिका, रशिया, वर्ल्ड अफेयर्स जो है ना वो तो। लेकिन मैंने ये सुना है कि जो उनका जो एग्जाम है ना UPSC ना वो टफ है, SAT क्या बड़े बड़े जो है उनको टक्कर उनसे ऊपर है, वो बहुत बहुत टफ है और बहुत ज्यादा जो है ना तगड़ा स्टूडेंट वो क्लियर कर, तभी तो ब्यूरोक्रेट्स निकलते हैं बड़े, फिर तो उधर जो है ना वो अच्छे निकलते हैं और वो अपनी कंट्री को सर्व करते हैं। हमारा भी वैसे डिफिकल्ट है, हमारा भी डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन वो आई थिंक वर्ल्ड के उसमें आता है कि काफी वो मुश्किल है टेस्ट, वो मैंने देखा था उसकी रैंकिंग काफी ऊपर थी, तो मैंने कहा ओ माय गॉड ये तो पता नहीं पाकिस्तान के, मुझे लग रहा है मुश्किल से कोई एक या दो पास कर पाएगा। तो ये जो है सर जो है वो ज्यादातर CSS के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनाते हैं और उनको समझाते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि कभी भी किसी के पेपर में भी आ सकता है, मतलब मैं दे सकती हूं एक अटेम्प्ट, तो मैं कर सकती हूं। हां हम अगर सर प्रशांत धवन की वीडियोस देखते रहे तो हम भी एक अटेम्प्ट दे सकते हैं, एक अटेम्प्ट तो मैं दे सकती हूं, देखूंगी कि क्या बनता है क्या नहीं, वैसे 3 अटेम्प्ट्स होती हैं। खैर आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।